मऊ जिले से गुजरने वाली तमसा नदी के दिन बहुरने वाले हैं। इस नदी की साफ सफाई और उसके किनारे वृक्षारोपण के लिए नए सिरे से प्लान बनेगा। पूर्वी यूपी नदी और जल संरक्षण निगरानी समिति के अध्यक्ष ने मऊ जिले का दौरा किया और जिला प्रशासन को इस काम को पूरा कराने के निर्देश दिए। तमसा नदी के 56 किलोमीटर तक के एरिया को मनरेगा के अंतर्गत साफ सफाई कराने और नदी के किनारे 5 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सभी ग्राम पंचायतों से पेड़ लगाने का आह्वान किया गया है। साथ ही जिले में जितने भी तालाब हैं उनके किनारे भी वृक्षारोपण करवाने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ के अस्पताल की दशा बहुत बुरी है, कहीं भी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो बायो वेस्ट रूल है उसके अनुसार हर अस्पताल में सेग्रीगेशन होना चाहिए, खुले में कोई डस्टबिन नहीं होनी चाहिए, 4 डस्टबिन यूज़ करनी चाहिए। वहाँ से जो कूड़ा कचरा निकलता है उसको सेग्रीगेटेड वे में भेजना चाहिए, कहीं भी नहीं फॉलो है इसका। और कहीं अस्पताल में जलाया गया है, इसका फल ये होगा कि इन अस्पताल में जहाँ की रूल नहीं फॉलो हो रहा, अगर मरीज भर्ती होगा तो एक बीमारी तो ठीक होगी, वो दूसरी बीमारी लेके चला जाएगा। रिसर्च बताता है कि अगर हॉस्पिटल के अनहाइजीनिक कंडीशन से 40% लोग बीमार होके ही निकलते हैं। यानी हमारा अगर अस्थमा ठीक हुआ, मैं घर गया, 4 महीने बाद जो इन्फेक्शन हुआ अस्पताल में उससे फिर लौट के आऊँगा। तो रूल्स का कंप्लायंस नहीं है। हमको अश्योर किया है यहाँ के CMO ने कि हम जल्दी जून भर में कर देंगे। एक दूसरी, नगर पालिका का व्यवस्था ठीक नहीं है, कहीं भी डस्टबिन जो होनी चाहिए 3 वो नहीं लगी है। और इतना ही नहीं, जिले भर में जितने नाले नदी में गिर रहे हैं उन सब की रिपोर्ट भी शासन को भेजने की बात कही गई है। वहीं गंदगी फैलाने वाले अस्पताल या दूसरे संस्थानों पर नकेल कसने के आदेश दिए गए। मऊ से जाहिद इमाम की रिपोर्ट।